अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि तमाम व्यूवर जो हैं वो खैरियत से होंगे। बहुत से व्यूवर्स ने बार बार मैसेजेस किए कि रावलपिंडी का जो सबसे बड़ा चोर बाज़ार है उसकी हमें मुकम्मल सैर करवाई जाए, तमाम स्टॉल्स दिखाए जाएं और ये भी बताया जाए कि किस जगह लगता है। इस मौजू पर एक दो वीडियोज़ पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज एक दफ़ा ये आप तफसील से वीडियोज़ देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए ये किस जगह लगता है और कौन कौन सी रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं यहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं नहायत सस्ते दाम। तो नाज़रीन, ये हर इतवार के रोज़ कमेटी चौक से ढोक खब्बा की तरफ जाएं तो उस रोड पर ये लगाया जाता है और यहाँ पर हर चीज़ समझ लें कि सोना जो है वो पीतल के भाव बिकता है। ये आपको जूतों का स्टाइल दिखा रहे हैं, इम्पोर्टेड शूज़ वगैरह लेडीज़ के, लेडीज़ इधर से ख़रीद रही हैं। रेट इनका आपको मैं बता दूं कि ये मांगते 500 भी हैं, 400 भी हैं, लेकिन 200 से 250 या 300 रुपये तक ये फरोख्त कर देते हैं। तो ये लेडीज़ इम्पोर्टेड जो हैं ये शूज़ और जूते वगैरह हैं जो यहाँ पर फरोख्त होते हैं। मुख्तलिफ दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के ये शूज़ होते हैं, ये ख़वातीन जो ख़रीदी हैं। ये देखें, एक शख्स ने कप जो है चाय पीने वाले उनका भी स्टॉल लगा रखा है, 6 कप 200 रुपये की फरोख्त कर रही है। यहाँ पर हर चीज़ आपको रोज़मर्रा की मयसर आएगी। ये रेड़ी के ऊपर इसने चम्मच जो हैं सजाए हुए हैं, ये 5 रुपये के हिसाब से या 10 रुपये के हिसाब से फी चम्मच फरोख्त करते हैं यहाँ पर। ये ग्लास और इस किस्म की दूसरी किचन की चीज़ें, मुख्तलिफ स्टाल आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। ये इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा शूज़ के डंडे भी आप कहते हैं, ये भी 200 से 250 तक रुख करते हैं। ये भी एक हमशहरी ने ख़रीदा, इससे 200 रुपये का जोड़ा। ये बच्चों के बैट वगैरह, खिलौने, ये सब इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं। बैग, स्कूल बैग जो आप देख रहे हैं ये इसने लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, स्पीकर, डेक एक्सटेंशंस, ये छोटा नन्ना नौजवान ताजर जो है ये स्टार लगा के बैठा। बच्चियों की गुड़िया खेलने वाली, ये 50-50 रुपए की बेच रहे, गुड़िया फरोख्त कर रहे। चश्मे, नज़र के मुख्तलिफ नंबरों के चश्मे, लोग आते हैं इधर खुद ही चेक करते हैं कि जिनमें उन्हें सही नज़र आ रहा है, 50 रुपये का चश्मा ख़रीदते हैं और चलते बनते हैं। ये कपड़ों के पीस, मुख्तलिफ किस्म के चादरों के, लेडीज़ कपड़ों के, ये भी यहाँ पर स्टार लगाए जाते हैं। ये देखिए, आपके जूसर वगैरह इम्पोर्टेड, ये सारा सामान है। ये जूसर वगैरह आपके ख़राब हो जाते हैं, उनका जग ख़राब हो जाता है या नीचे उनकी जो मशीन है, ग्राइंडर जिसको कहते हैं। कितने का? ये देखिए जी, ये नौजवान घोंसले फरोख्त कर रहे हैं जहाँ पे फाख्ता बैठ के अंडे देगी। और ये पर्स वगैरह के स्टॉल, ये तो नए हैं तमाम पर्स, लेकिन दुकान की नस्बत आधी से भी कम कीमत में ये मिल जाते हैं। ये मुख्तलिफ क्राकरी प्लास्टिक की दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। ये बाबा जी भी महवे गुफ्तगू हैं आपस में। ये देखें, बच्चों की वाकर वगैरह इस्तेमाल शुदा,
और इस तरह और छोटी मोटी अशिया साइकिलों के आपको नज़र आ रहे हैं, टायर वगैरह, ये चाइना के जागर्स, ये 300-300 रुपये की इसने सेल लगाई हुई है, चाइना के जागर्स, ये न्यू हैं लेकिन ये भी दुकानों पर महंगे मिलते हैं। ये देखें औजार, हथौड़ी, पेचकस, प्लास, ये लेडीज शूज़ आप देखें, जूते रंग बिरंग। इधर आके इंसान चकरा जाता है वैसे कि क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। ये टी शर्ट्स और पेंटें फरोख्त की जा रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल एसेसरीज ज़मीनों पर इन्होंने और रेडियो के ऊपर सजाई हुई हैं। 50-50 रुपये में अंगूठियाँ, पत्थर नुमा अंगूठियाँ होती हैं, डिज़ाइन बड़े खूबसूरत हैं, पत्थर इनमें नहीं होते, ये आर्टिफिशियल पत्थर होते हैं। 50-50 रुपये में फी अंगूठी। ये देखें पुरानी घड़ियाँ, एक शख्स मुझे बता रहा था एक दफ़ा राडो घड़ी निकल आई किसी की, इसमें से चांटी करते करते ये घड़ियाँ जो है लोग खरीद के ले जाते हैं, इनसे थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद जो है ना इस्तेमाल हो जाती है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ, ये खालिस नेक नीयती से मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो शौकीन हैं या फिर वो लोग जो इस्तेआत नहीं रखते नई चीज़ खरीदने की, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पर ये व्लॉग्स ये वाले बनाता हूँ ताकि उनको आगाही हो कि वो कम पैसों में भी चीज़ ख़रीद सकते हैं और कहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये भी आपको बताया है। ये देखें हेडफोन, तमाम इम्पोर्टेड ब्रांड्स के हेडफोन हैं। मैंने एक दफ़ा इधर से हेडफोन ख़रीदा था 150 रुपये का, तकरीबन 2 साल हो गए हैं अभी तक चल रहा है वो, बड़ा ज़बरदस्त। और ये लेडीज सूट, ये है तो नए हैं लेकिन बहुत लो प्राइस में ये जो है। ये देखें चमचे वगैरह, डोइयाँ, किचन का सामान, इस तरह के स्टाल लगा के बैठा हुआ। तो नाज़रीन ये इधर हर ज़रूरत की हर चीज़ आपको मैसर आएगी, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं या आप वैसे ही शौकीन हैं कोई एंटीक्स चीज़ें इकट्ठी करने की, तो ये यहाँ पर इतवार वाले दिन सब्ज़ी का भी बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार जिसको कहते हैं, ये सब्ज़ी फ्रूट का ये आप देख रहे हैं, ये भी उस चोर बाज़ार के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप सब्ज़ी फ्रूट भी खरीद सकते हैं, सरकारी इतवार बाज़ार जो होता है। तो नाज़रीन ये था आज का व्लॉग, आपकी फरमाइश पर आज आपको चोर बाज़ार का तफसीली जो है वो दौरा करवाया, विंडो शॉपिंग करवाई आपको ताकि आपको आगाही हो सके, बार बार आप मैसेज कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।